झगड़े के बाद क्या आदित्य इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ पाएगा, ये देखेंगे हम ब्रेक के बाद। Thank you so much. ठीक से खेलो, मैं तुम्हारे सारे ट्रिक्स जानती हूँ। सबको हराते हुए आदित्य फाइनल तक पहुँच गए हैं। चेस बोर्ड में घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा है आदित्य, फाइनल में भी पहुँच गया है। अब ये देखना है कि इस रेस में फर्स्ट प्लेस में कौन एक के बाद एक सबको हराता जा रहा है आदित्य। मौत का खेल खेलते हुए भी चेस खेल रहे हैं आदित्य। आदित्य 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 एक बार आदित्य जवाब चाहिए। आदित्य आज भी हमारे साथ दुनिया के सबसे छोटे द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड यहाँ है। हाउ आर यू? हैप्पी। फाइनल में आप आदित्य के साथ खेलने वाले हैं, हाउ डू यू फील? हैप्पी। अगर आदित्य आपको हरा दे तो? हैप्पी। जो भी पूछते हैप्पी बोलते हैं। देखते हैं आगे फाइनल में क्या होता है। आज तो ये गया काम से। टेंशन किस बात की गुरुजी? उस छोटे को देखकर। 3 फुट 4 इंच या क्या कर लेगा? वामन के अवतार को जानते हो ना? पैर बढ़ाते ही पूरी धरती समा गई थी। विश्वनाथ जैसे दिग्गज के भी इस गेम में पसीने छूट गए थे। ये गेम आदित्य को दिमाग से खेलना होगा। बिना दिमाग के भी कोई शतरंज खेलता है क्या? अंकल आदित्य के पैर देखिए। मैं आदित्य के ट्रिक्स जानती हूँ, अभी वो कुछ ना कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है? आदित्य की क्वीन चली गई। लगता है क्वीन के मामले में आदित्य के ग्रह ठीक नहीं है। खेल में भी जमकर गई, रियल लाइफ में भी जमकर गई। अरे चुपचाप से देखना यार। जीतने के लिए बड़ी मछली का जाल बिछाकर छोटी मछली को पकड़ना होता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आदित्य फिर से जीत चुका है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य इतनी दूर तक पहुंच सकता है। अरे बुढ़े, तुम दोनों की किस्मत में रानी जरूर नहीं है, लेकिन राजा हमेशा जीतता है। अरे खड़े क्या हो, आदित्य जीत गया, चलो। अरे चलो ना। टेररिस्ट का इल्जाम लगने के बाद नेशनल चैंपियनशिप जीतकर कैसा लग रहा है? मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। लेकिन सब लोग तो आपको दोषी मान रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक बात हमेशा याद रखिएगा, झूठ कभी सच को दबा नहीं सकता। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे बता सकते हैं? मेरे यहाँ आने की वजह 3 लोग हैं, मेरी लॉयर मानसा, SP करुणाकर जी, और मेरी जिंदगी को नई दिशा देने वाले मेरे गुरु
यहाँ है। अरे जाओ बुट्टे, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा क्यों रहा है? श्री नारायण जी। नेशनल चैंपियनशिप जीत गए हैं, आगे क्या? अगर गवर्नमेंट ने साथ दिया तो स्वीडन में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करूंगा। गुड लक। अब आपको सभी मास्टर बिहाइंड द बार्स कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो टैलेंटेड हैं, उनको बस मौका नहीं मिल पाता है। इस गेम से जो पैसे मिलेंगे उसका क्या करेंगे? मैं जिस जेल में रह रहा हूँ वहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब बनवाऊंगा। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप भी उसमें सहायता कीजिए। इट्स इंस्पायरिंग मिस्टर आदित्य, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मास्टर, 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 तुम्हारी फोटो इसमें छपी है। मास्टर बिहाइंड द बार्स। इंसान के हंसने पर गाल पर डिंपल पड़ते हैं। हंसो। सर, आपको बुला रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन है सर, ये चेस रूम और ये कैरम रूम सर। यहाँ पर पेंटिंग रूम होगा और यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी और टेबल टेनिस रूम। इस तरफ कैदियों के लिए टॉयलेट्स आएंगे सर। नाइस। आदित्य की रिक्वेस्ट का बहुत अच्छी तरह रिस्पांस मिल रहा है। कई लोग डोनेट करने के लिए सामान लेके आ रहे हैं। मुझे खुशी है आदित्य के दोस्त के तौर पर तुम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। वेरी गुड, गुड। कुछ भी करके ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फिनिश करते हैं बस। एक बात याद रखना, चेस में ग्रैंड मास्टर बनना है तो तुम्हें एक मास्टर की जरूरत है। मैंने गुरुजी को बोला है, जाकर मिल लेना। थैंक यू भैया, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ऑल द बेस्ट। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। वंडर बॉय मैग्नस कार्लसन। सर, आज का चेस ग्रैंड मास्टर। मुझे यकीन है तुम भी उतने ही आगे बढ़ोगे आदित्य। आपका इनकरेजमेंट रहा तो जरूर सर। मेरे इनकरेजमेंट का क्या, आज एक ही दिन है। मेरा ट्रांसफर हो रहा है आदित्य, और कोई मेरी मदद चाहिए तो बताओ। आपकी इतनी मदद काफी है सर। उस भगवान से मन से प्रार्थना करूंगा कि तुम कोर्ट से बरी हो जाओ। थैंक यू सर। कल नया एसपी आ रहा है, उसकी रेपुटेशन सही नहीं है। वो कुछ भी कहे ध्यान मत देना। कॉमनवेल्थ गेम्स पर फोकस करना, ठीक है? यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, इसी देश में पैदा हुए थे ना? जी सर। जहां पर तुम पैदा हुए और जिसने तुम्हारा पेट भरा उसी जमीन को खा गए। देशद्रोही। मैं देशद्रोही नहीं। नजरों की घबराहट कह रही है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। छुपाने के लिए कुछ होना चाहिए। गले में फांसी डालनी चाहिए उसमें मेडल्स पड़ रहे हैं। एक टेररिस्ट को
मास्टर कहा जा रहा है। मैं टेररिस्ट नहीं हूं सर। तो फिर क्या हो बताओ? यह है मेरी आइडेंटिटी एसपी, मेरी पहचान यह है। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? मेरी तो ट्रिगर है। आतंकवादी, टेररिस्ट, देशद्रोही, ये ही है तुम्हारी पहचान। कल नया एसपी आ रहा है, उसकी रेपुटेशन सही नहीं है, वो कुछ भी कहे ध्यान मत देना, कॉमनवेल्थ गेम्स पर फोकस करना, ठीक है? इसी वक्त से तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी अब नहीं दिखेगी। ये क्या है? चेस पीस सर। कौन सा पीस है? किंग सर। मुझे तो ये घातक हथियार लग रहा है। उससे बातें क्या कर रहे हैं सर, ट्रिगर दबा दीजिए। अगर दोबारा ज्यादा बकवास की या सिर उठाकर देखा तो ऐसी काल कोठरी में डाल दूंगा कि कभी सूर्योदय नहीं देख पाएगा। ले जाओ इसे और इसकी औकात दिखाओ। विम्पट रॉय सर, इस जेल के ब्लॉक सी सेल नंबर 7 में सर, जो कैदी है वो टेररिस्ट है। उसके पास जेल में घातक हथियार बरामद हुए जिसका इस्तेमाल करके वो ट्रिगर नाम के कैदी को मारना चाहता था। ऐसी खतरनाक सोच रखने वाले इस टेररिस्ट को बाकी कैदियों से मैं दूर रख रहा हूं। ए, इसे ले जाकर सोलिटरी में डालो। चलो। सर, नेक्स्ट मंथ कॉमनवेल्थ चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इज अ वेरी गुड प्लेयर, उसे रोकिए मत। एक देशद्रोही का केस लड़ने के लिए तुम आगे आई हो, तुम्हारी जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है। प्लीज सर। hey, तुम होश में तो हो ना? वो एक आतंकवादी है, उस ब्लास्ट में मेरा भाई मरा था, वो कहीं फांसी से बच ना जाए, इसीलिए कई लोगों के तलवे चाटकर मैंने यहाँ पोस्टिंग करवाई है। सर, आदित्य और उस बॉम्ब ब्लास्ट का कोई संबंध नहीं है, ही इज इनोसेंट। वैसे तुम्हारा संबंध क्या है उससे? वो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम उसकी लॉयर हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लॉयर उसी की क्लाइंट बन गई है? फांसी आदित्य को नहीं, तुम्हें देनी चाहिए। गेट आउट, गेट आउट। नमस्ते, नमस्ते सर। मानसा, ये पेपर पढ़ो, लिखा है कि तुम्हारा और उस टेररिस्ट का अफेयर है, जहाँ भी देखो तुम्हारी ही बातें हो रही है, पूरे कोर्ट में भी यही टॉपिक है, टेररिस्ट और लॉयर के बीच अफेयर। हाँ सर। क्या जमाना आ गया है यार। ए, मानसा के बारे में तो तू जानता है, उस जेलर ने बदले के लिए ये सब किया है ना। हर जगह मानसा की बात चल रही है। हाँ सही कहा, हर पेपर में वही बात छपी है, उसकी शादी कर दो। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ वही कर रहा हूँ। टीवी में आ रहे हैं। मैं? हाँ टीवी में। हाँ। मैं कोई सुपरस्टार हूँ जो टीवी पर आऊंगा? ओ तेरी, सुबह बालकनी में ब्रश करते वक्त किसी ने चोरी से वीडियो बना लिया मेरा। सुनो, हमारे घर को लोगों ने घेर लिया है। हाँ? दरवाजे बंद कर दो। हाँ? खिड़कियां बंद। हाँ? कर दो। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? आज से तुम्हें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं, ये क्रिमिनल केस सौंप कर मैंने ही गलती की थी, आज से तुम आरटीआई केस ही संभालोगी बस। टेररिस्ट आदित्य के साथ लॉयर मानसा का अफेयर चारों तरफ फैल चुका है। लो सुन लो, अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म हो रहा है मसाला मार के। आप ही ने तो कहा था ना पापा, डरना मत। लेकिन मुझे डर लग रहा है बेटा, तुम्हारा नाम होगा ये सोचकर मैंने एक केस तुम्हें सौंपा, पर अभी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा बेटा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं जानती हूँ, पहले छोटी सी आवाज से ही डर लगता था, पर अब नहीं, इस शोर से मैं डरने वाली नहीं। सर, उसे अंदर डालने के खिलाफ लॉयर ने कोर्ट में इंक्वायरी की अपील की है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर पब्लिक में सिंपथी क्रिएट करना चाहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस टेररिस्ट को सॉलिटरी में डालने पर इंक्वायरी बिठाई गई है, अगर किसी कैदी ने उसकी तरफ से गवाही दी तो वो जिंदगी भर यहीं सड़ेगा। चेस खेलकर हीरो बनना चाहता है,
अब वो किसी चेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझ में आया तुम्हें? गढ़वाल के एसपी पर मानसा ने जो इंक्वायरी करवाई है उस पर छानबीन करने वाले अधिकारियों ने वहाँ के कैदियों से सवाल किए। हमें पता चला है आदित्य की कोई गलती नहीं है और एसपी नरसिंहा रेड्डी ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है, इसलिए फर्दर इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है। आदित्य को कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी गयी है। बानिकल, आपने मेरी मदद की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप हो सके तो मुझसे दूर रहें। क्यों? फिर किसी ने कुछ लिख दिया? जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है उन्हें सच्चाई नहीं दिखाई देती। हम सच कितना ही बोल ले किसी को सुनाई नहीं देगा। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं। मैंने ध्यान देना छोड़ दिया है। मैं आपसे जब पहली बार मिला था तब में और आज में बहुत फर्क दिख रहा है। अच्छा ही है ना। एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आई थी। उन चार टेररिस्ट को फांसी देने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। माफीनामा आने तक ध्यान से रहो। मास्टर, मास्टर। गवाही देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You are always welcome. क्यों रे? यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है सर। कुछ नहीं सर। तुम लोगों की और इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है, इसीलिए तो तुम सबने मेरे खिलाफ गवाही दी है ना? जाओ, जाओ। मैं जानता हूं कि तू धोखेबाज है, इधर का उधर और उधर का इधर करने में माहिर। धोखे से अगर तूने यहां से भागने की कोशिश की तो मेरी तरफ से एक सलाह ले ले। मैंने अपने करियर में 10 लोगों को टपकाया है, भागने की सोचेगा तो 11 हो जाएंगे। ज्यादा दिमाग लगाया तो भस्म हो जाएगा। जैसे एक फकीर की जान तोते में थी, उसी तरह तेरी जान मेरे हाथों में है। तेरे पास यहां से भागने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। जानता है वो क्या है? गायब होना होगा। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। क्या हुआ आदित्य? एसपी ने धमकाया? तुम चिंता मत करो भाई, तुम्हारे साबुन के डिब्बे वाला सीक्रेट मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है। छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों? अच्छा 10 दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं, 25 दे दो। तुम्हारा सीक्रेट मैं ऐसे ही छुपा के रखूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे बुड्ढे, यहाँ से रिहाई के बाद रंग बदल गया, फेस पैक लगा रहा है क्या? तेरे अकाउंट में 25,000 जमा कर दिए। इस बार आना तो फेस पैक, ब्यूटी क्रीम और मुल्तानी मिट्टी भी लेकर आना। दोबारा क्यों आऊंगा? क्यों नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा ना। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इस बार लाख रुपए का अंडा लाना। गुस्सा क्यों होता है? स्लिप पर स्लिप रखकर तुम्हारा शिष्य गेम कैसे जीत रहा है सबको बता दूं क्या? मेरे मन में एक सवाल है। बोल। चेस में हाथी घोड़े तो होते हैं गुरुजी, लेकिन शेर क्यों नहीं होता? वो बहुत पावरफुल है ना? हाथी ऊंट घोड़े में चेतना होती है। कुछ हजारों साल तक इंसानों के साथ उन्होंने जिया है, साथ सफर किया है, युद्ध किया है, त्याग किया है। शेर और सिंह शक्तिशाली होते हैं और शक्ति के चक्कर में वो नियंत्रण खो देते हैं और इंसानों के साथ नहीं रह सकते। चेकमेट। ब्रेकिंग न्यूज, आदित्य कॉमनवेल्थ के फाइनल में पहुंच गया है। इससे ये कह सकते हैं कि आदित्य अद्भुत है। फाइनल में आदित्य फिलीपाइन ग्रैंड मास्टर से प्रतियोगिता खेल रहे हैं। आतंकवादी आदित्य कहे या ग्रैंड मास्टर आदित्य कहे, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम सुपर हो बॉस, फाइनल में पहुंच गए। अब जीत तुम्हारी ही है। अब तो हम लोगों के साथ चलोगे ना बॉस? ये लो यार। देखो बॉस, फांसी ना मिले तब भी जिंदगी भर जेल में रहना होगा, इतना तो जानते हो ना? हर बात पर मुंडी क्यों हिलाते हो बॉस?
29 घंटों के बाद हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। पक्का? बहुत वक्त है, जरा सोचो।